ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनने वाला है अगस्त के अंतिम भाग में। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इन दिनों मंगल के साथ जो योग बना रहे हैं वो आपके लिए विशेष तौर पर आप समझें कि बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। मंगल के साथ योग चलते हुए मंगल से अब मंगल आगे जाने के योग बना रहे हैं और परिवर्तन का योग बनेगा। मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शुक्र परिवर्तन की जाएंगे, बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे और बुध तो ऐसा रहेगा कि आगे पीछे होते दिखाई देंगे। उदय, अस्त, वक्री, मार्गी, राशि परिवर्तन सब प्रकार के योग बना रहे हैं और बुध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि बुध आपकी राशि के अनुसार से दो दो केंद्र भाव के स्वामी है, चतुर्थ के और अष्टम भाव, सप्तम भाव के स्वामी, तो ऐसे में ये सारे जो परिवर्तन होने जा रहे हैं ये आपके छठे और चतुर्थ भाव में, जो पंचम भाव में योनि के योग बनेंगे, तो ऐसे में आपके कई कार्य क्षेत्रों में बुध का, इन सब ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न होगा। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए कैसे ग्रहों के योगा योग बन रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले 21 अगस्त की। 21 अगस्त बुधवार का अवसर, द्वितीय तिथि है, मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के जा रहे हैं। योग करीब करीब रात्रि में 7:11 पर। दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, शाम के समय परिवर्तन का योग बनेगा, नए उत्साह कहीं ना कहीं से उम्मीद जागने के योग बनेंगे और जो दिन में जो आप संघर्ष करेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट शाम को प्राप्त होने के, अगले दिन प्राप्त होने के योग अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ग्रह नक्षत्र आपके लिए साफ साफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बुधवार को और शुभ करना चाहते हैं तो भगवान गणेश का स्तवन करें, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 22 अगस्त की हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और भद्रा का योग चल रहा है करीब करीब 1:45 तक, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, कर्क राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है वक्र स्थिति में। बुध वक्री चलते हुए छठे भाव से निकलकर चतुर्थ भाव, पंचम भाव में आने के योग बनाएंगे, षष्ठ भाव से निकलकर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन मिलते दिखाई दे रहे हैं, जो आप थोड़ी सी चीज़ें आपके हाथ से निकलती दिखाई दे रही थी, थोड़ा सा मनोवृत्ति ऐसी हो गई थी कि जो आपको थोड़ा सा उपराम कर रही थी, संसार से थोड़ा सा निवृत्त करती दिखाई दे रही थी, इंटरेस्ट कम करता दिखाई दे रही थी, वो बुध का परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव साइन उत्पन्न करता दिखाई देगा। पीले रंग का टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगाइए, थोड़ा केसर का सेवन करें इस दिन, ये आपके लिए अच्छा उपाय है। सुबह सुबह कार्य आरंभ करने से पहले ये छोटा सा उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजन की सेवा, गुरुजन का आशीर्वाद भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा। 23 अगस्त की यदि हम बात करें गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और शाम के समय चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे, मेष में जाएंगे, दिन में सही जगह रह रहे हैं, नई सामर्थ्य, नई इच्छा, नई शक्ति का आपके अंदर उदय होने के योग बनते दिखाई दे रहे। सर्वार्थ सिद्ध योग सुंदर रूप से विद्यमान है आपकी राशि के अनुसार से, जो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो समय का उपयोग कीजिए, गौ सेवा करें, शुक्रवार का अवसर है, मेवा प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे। 24 अगस्त की यदि हम बात करें, पंचमी तिथि उदया और षष्ठी तिथि उसके बाद विद्यमान होगी, लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, तो षष्ठी क्षय होने के योग बन गए। शनिवार के दिन षष्ठी क्षय हो रही है, तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो आपके लिए बन रहा है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। जितना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करोगे ना, वो बहुत ज़रूरी है। आशीर्वाद से ही मेवा प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। शनि महाराज इन दिनों 12वें भाव में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, जो वक्री अवस्था में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। तो शनि को मनाइए, सदा सुख पाइए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि के निमित्त हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, तेल का दान करने का प्रयास करें, ये सारे उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। 25 अगस्त की बात कर लेते हैं, सप्तमी तिथि है, षष्ठी अस्त जो छः हो गई तो सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ गई है। सप्तमी तिथि और रविवार का योग ये बहुत सुंदर माना जाता है। सप्तमी के दिन रविवार का योग भगवान शंकर, भगवान सूर्य के लिए बहुत प्रसन्नता का योग बनता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिएगा। शाम के समय चंद्रमा परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। धन आगमन का सुंदर रास्ता कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 दिन आपके लिए अच्छे जाते दिखाई देंगे और उसका संपर्क का लाभ मिलने के योग आपके लिए बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भद्रा भी है आज, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, जो करीब करीब 4:30 तक रहेगी, तो ये आपके लिए ध्यान रखने योग्य बात है। नया कार्य नहीं आरंभ करने चाहिए, रूटीन चलते हुए कार्य आपके लिए अच्छे रहेंगे। 26 अगस्त बड़ा सुंदर अवसर, चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विद्यमान और भगवान कृष्ण का जन्म
जन्मोत्सव बड़े आनंद से मनाने का अवसर जन्माष्टमी पड़ रही है और इस बार जन्माष्टमी बड़ी शुद्ध रूप से पड़ रही है। स्मार्ट वैष्णव आमतौर पर विवाद रहता है कि किस दिन मनाएं, कैसे मनाएं, सबके लिए एक ही दिन पड़ रही है इस बार, क्योंकि अष्टमी तिथि उदया है, रात में रोहिणी नक्षत्र युक्त है, तो रोहिणी युक्त अष्टमी से व्याप्त होने के कारण से सुंदर ग्रह नक्षत्रों का योग भगवान की पूजन से आपके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। शास्त्र में कहा गया है कुछ और व्रत रखो ना रखो, जन्माष्टमी का व्रत रखने से भगवान का आपका आशीर्वाद मिलता है, समस्त ग्रह अनिष्ट ग्रहों का योगायोग दूर हो जाता है। मंगल इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और ये मंगल का ये परिवर्तन जो है थोड़ा सा आपको संसार में ऐसा हो सकता है कि आप उपदेशक बन जाए, आपके अंदर सही इंट्यूशन भी आ रही है, उपदेश बनने के योग बन सकते हैं, लेकिन उसके कारण से लोग थोड़े से आपसे दूर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति तृतीय भाव में, मंगल चतुर्थ भाव में, गोचर के दृष्टिकोण से ये आपके लिए, लेकिन एक अच्छी बात दिखाई देती है, आने वाले कुछ दिनों में बड़े बड़े लोगों से, कुछ अच्छे लोगों से, बड़े विचार वाले व्यक्तियों से आपके संपर्क नए सधने के योग आपको प्राप्त होंगे, नई दोस्ती बनने के योग आपके लिए बन सकते हैं। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण का पूजन समस्त अनिष्टों को निवारण करने वाला रहेगा। इस दिन तो कोई और उपाय हो ना हो, यही उपाय करें, सब कल्याणकारी योग बनेंगे। 27 अगस्त की दिन बात कर लेते हैं, मंगलवार नवमी तिथि विद्यमान है, बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं। बुध पंचम भाव में वक्र अवस्था में आए और ये उदय हो जाएंगे, ये आपके लिए और शुभ होंगे और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेंगे। चंद्रमा भी बड़ा सुंदर इस वक्त योग बना रहा है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि में जो सही दिशा आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं उस पर कार्य तुरंत करने का प्रयास कीजिए। सुबह 9:10 पर यह बुध का उदय होना आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी को छूला, ये सब उपाय करके आप और समय को शुभ कर सकते हैं। 28 अगस्त बुधवार का अवसर, दशमी तिथि, मिथुन में चंद्रमा प्रवेश करीब करीब 4:15 सुबह होने के योग बना रहे हैं और बुध महाराज बड़ी जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बुध महाराज वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी सही दिशा में, सीधी दिशा में चलने के योग बना रहे हैं, जो कर्क राशि में आपके पंचम भाव में अभी राशि परिवर्तन किया, फिर उदय हुए, फिर मार्गी हुए और फिर मार्गी होने का जो सुंदर योग बना है, यह आपको पॉजिटिव दिशा में बड़ी जल्दी जल्दी कार्य को रिजल्ट लाने के योग बनाता दिखाई देगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग ध्यान रखेंगे, जो लोग कार्य कर रहे हैं स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में, उनको इन समस्त चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, ये झटका दे सकता है बहुत ज़्यादा आवेश में आकर कार्य करना, क्योंकि बुध का जो ये पूरे अगस्त के अंतिम भाग में परिवर्तन का योग बना है, वक्र अवस्था में बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो भी कहीं बाजार का रुख जो है बहुत जल्दी से पलटी मार सकता है और ऐसे में बहुत सावधानी, हल्की सावधानी हटी और बहुत बड़ा कहीं ना कहीं नुकसान करने का योग बन सकता है, ये परिवर्तन आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। भगवती दुर्गा का पूजन ऐसे में जितना आपकी राशि वाले लोग करेंगे, मीन राशि वाले जितना करेंगे वो अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तो शनि की 7.5 सबसे भयावह स्थिति होती है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। यदि हम बात करें 20 अगस्त की, तो 20 अगस्त को बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि, अजय एकादशी का योग बन रहा है, अगस्त तारा जो है वो उदय होने की तरफ जा रहा है, वर्षा ऋतु जो है चंद्रमा मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं वृष्टि को ज़्यादा बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब अगस्त उदय हो जाता है तो रास्ते का मार्ग सूखना शुरू हो जाता है। उदित अगस्त पंत जल शोषा, जो तुलसी बाबा ने लिखा है, ये एक प्रकृति का नियम के तौर पर लिखा गया है कि अगस्त तारा उदय होने के बाद वृष्टि तो होती है, वृष्टि क्योंकि मंगल यहाँ मिथुन राशि में आ गए हैं, तो वृष्टि तो भयावह रहेगी रहेगी, बढ़ती दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ज़्यादा भी वृष्टि हो सकती है, लेकिन अगस्त उदय होने के कारण से बहुत सारी जगहों में रिलीफ प्राप्त होने के योग भी बनते दिखाई देंगे। अजय एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। 30 अगस्त की दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि, कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के योग बन रहे हैं, ये आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव साइन दे रहा है ग्रहों के दृष्टिकोण से। पंचम में गए हुए चंद्रमा बुध के साथ विराजमान होकर ये आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गोवत्स पूजन इस दिन किया जाता है, द्वादशी के दिन भाद्रपद मास के पूजन करके भगवान गोवत्स का पूजन कहा जाता है, समस्त ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर रहता है। थोड़े गुड़ की डली लेकर, थोड़े से हरा चारा इत्यादि लेकर, थोड़ा सा पीले जो चने की दाल होती है उसको भिगोकर गोवत्स को गाय के बछड़े को खिलाने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पॉजिटिव हो सकता है।
31 अगस्त की बात करें, शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और इस दिन शनि प्रदोष का योग बन गया है। 15 दिन में 2 बार शनि प्रदोष का योग बना है। और समझे आपकी राशि के अनुसार से कितना इंपॉर्टेंट है यह बात समझे आप। आपकी राशि मीन राशि वालों के लिए जो शनि महाराज की 7.5 चल रही है, ऐसे में शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। शनि आरंभ काल में नहीं तो जब 7.5 का योग चलता है तब धीरे धीरे फंसाता चला जाता है। ऐसे में शनि का जितना भी शुभ योग कर सकता है वो उपाय करने का प्रयास करें। भगवान श्याम शंकर के मंदिर में जाकर शाम के समय उनका रुद्राभिषेक कराएं तेल के द्वारा या तिल के द्वारा। ये जब विशेष तौर पर ध्यान रखें, थोड़ा दूध में तिल डालकर उसके द्वारा कर सकते हैं, जल में तिल डालकर उसका कर सकते हैं। तो किसी प्रकार भी ये अभिषेक करने से कहा जाता है कि शनि के बहुत सारे शनि प्रदोष के लिए उपाय कर लिए जाएँ तो कई प्रकार के कष्टों से निवारण मिल जाता है। ये दोष, ये शनि प्रदोष का योग है, ये कहीं भूलना नहीं चाहिए और मीन राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लें आपकी 7.5 जो है वो आरंभ हो गई, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी आने वाले समय में शनि उठापटक करने का योग बना सकते हैं, तो स्थिति को समझते हुए ये उपाय अवश्य करें। देखिए ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है, सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पर बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है। यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसके सहस्त्रों, अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज़्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला। उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कारकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा, बहुत वृहद है। इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। नक्षत्र किस, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, उन सबके द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़े अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पुराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्यपति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है और उन त्यौहारों को हम सीधे साधे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं, वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो घड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधे साधे तरीके से। आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्यपति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो, या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है।
अनादिकाल में ज्योतिष जो वैद्य चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है। उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योग आश्रम जैसे हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया है हमने जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा करीब करीब 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के ऊपर और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है उनके सान्निध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में आयुर्वेद के संबंध में यज्ञ विज्ञान के संबंध में और चिकित्सा विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुँच चुका है, घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है। हर एज में छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शनि मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं, उनके बारे में समय समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और अध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।